नमस्कार, मैं मधु। स्वागत है आपका अपने चैनल दिल से दिल्ली में। आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली अरवी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप चलिए मेरे साथ किचन में और देखते हैं मैंने ग्रेवी वाली अरवी की क्या क्या तैयारी करी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने लिए 1 किलो अरवी, जो छोटे साइज़ की अरवी है। इसमें 2 सीटी लगाकर कुकर में मैंने इनको उबाल लिया है। ये छोटे साइज़ की अरवी है, आप चाहे तो बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं इसमें। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, 5 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर हैं ये, मीडियम साइज़ के टमाटर, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको मिक्सी में पीस कर अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें। ये देखिए मैंने यहाँ मिक्सी में पीस लिया इनको और अच्छा सा पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। तो चलिए ग्रेवी वाली अरवी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है। 1 चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन डाल दी है तेल में और थोड़ा सा हींग डाला है और 3 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा इनको थोड़ा सा भून गए हैं हमारी लाल मिर्च और अजवाइन। अब इसमें सबसे पहले हम जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार करा था वो इसमें ऐड कर देंगे तेल में। अब इनको भी अच्छे से मिला देंगे हम। इस तेल में हम ज़्यादा मसाले नहीं मिलाएंगे, 1 चम्मच देगी मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी ऐड करी है इसमें और 1 चम्मच ही हम मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड करा है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब इसको भी हम अच्छे से मिला मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले को। और दूसरी तरफ यहाँ मैंने 100 ग्राम दही ली है, इसमें सूखे मसाले थोड़े ऐड करूँगी मैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच मैंने इसमें किचन किंग ऐड करा है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दही में मसालों को। इनको मसालों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़ जाए। ये देखिए मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और यहाँ मसाले भी हमारे पक चुके हैं गैस पर। अब दही वाले मसाले हम तेल में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए इनको अच्छे से मिला देंगे हम दही और मसालों के एक साथ। अब इनको भी हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार ना हो जाए। 2 मिनट के लिए ढक देंगे हम इनको। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, देखिए ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। देखिए बिल्कुल पक चुकी है ग्रेवी। अब इसमें हम अरवी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें, ये मैंने ग्रेवी थोड़ी थिक रखी है, आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी तरीदार चाहिए तो ग्रेवी। इसको भी 5 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे फिर, क्योंकि मसाले अरवी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी वाली अरवी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार करी है। देखिए बहुत अच्छी बनी है ग्रेवी वाली अरवी, देख दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए थोड़ा इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना घर पर और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कैसी बनी है। यहाँ मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड करा है लास्ट में इसमें, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रेवी वाली अरवी बनकर हमारी तैयार है। आप इसे चपाती, पूरी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आप अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो कैसी बनी है आपकी ग्रेवी वाली अरवी मुझे ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।